नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस ज्योतिष शिक्षा के कार्यक्रम में। आप लगातार सहभागिता कर रहे हैं और हम आपके लिए नित्य एक अच्छी जानकारी लेकर के आने का प्रयास करते हैं जो आपके जीवन के लिए सर्वोपयोगी हो। कहते हैं कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिवेत। एक ऋषि हुए हमारे चरवाक ऋषि थे जिन्होंने दर्शन शास्त्र के माध्यम से ये संदेश देने का प्रयास किया कि जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, चाहे कर्जा लेकर के ऋणम कृत्वा घृतम पिवेत, चाहे कर्ज लेकर के घी खाना पड़े, लेकिन पहला सुख निरोगी काया, स्वस्थ शरीर को अपने स्वस्थ रखने के लिए, अपनी दिनचर्या को अच्छा बनाए रखने के लिए पहला प्रयास यही करना चाहिए। क्योंकि संसार में जितने सुख हैं उसमें सबसे पहला सुख है शरीर का निरोगी होना। यदि शरीर निरोगी नहीं है तो इस संसार के सारे सुख हमको अच्छे नहीं लगते हैं। और सुख पाने के लिए करना क्या है? सबसे पहली जो दिनचर्या है, सबसे पहले सूर्योदय के पहले ही जग जाना है। जो सूर्योदय के बाद जगते हैं निश्चित रूप से उनका भाग्य भी उनका साथ नहीं देता, क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र और जितने भी नित्य कर्म के ज्ञान वर्धक कार्यक्रम हैं सब जगह उषा काल में, सूर्योदय काल में जगना, भगवान सूर्य के दर्शन करके प्रणाम करना, स्नान करना, थोड़ा योग भी करना, नित्य टहलना घूमना, और इसके बाद स्नान ध्यान करके पूजा करके, ज़्यादा पूजा नहीं तो सूर्य भगवान को जल देना, और वहीं पर रोज ना कर सके तो केवल रविवार को, रविवार को सूर्य भगवान को जल दीजिए। और जो हमने आपको दिया है प्रयोग पहले के वीडियो में, ये गायत्री मंत्र से 3 बार पढ़ करके जल की ओर देखते हुए और उस जल को अपने चारों तरफ गिराना है, जिससे हमारी सुरक्षा होती है। और इसके बाद उसी जल पात्र को 3 धाराओं में जल देना है, ओम घृण सूर्याय नमः कह करके। इतनी क्रिया करने से हमारे ग्रहों की शांति हो जाती है निश्चित रूप से। यदि आप रविवार रविवार को ही ये क्रिया करते हैं तो आपको इसका उत्तम लाभ मिल सकता है। यदि समय है तो वहीं पर 11 बार 21 बार गायत्री मंत्र सुना सकते हैं। और इसके अलावा भी यदि शारीरिक आरोग्यता नहीं है तो आप थोड़ा से जल हाथ में लेकर बाई नासिका के पास, उसमें वायु छोड़ते हुए बाई नासिका की, और ये कल्पना करेंगे प्रभु नारायण धन्वंतरी रूप हमारे शरीर के अंदर की जितने भी विकार हैं उनको नष्ट करें। उस जल को बाईं तरफ फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और फिर अपने सूर्यार्घ करके और 7 परिक्रमा सूर्य भगवान की करें। केवल इतनी ही क्रिया से आपको शारीरिक आरोग्यता प्राप्त हो सकती है, नियमित करना है निश्चित रूप से। आज आपको बहुत अच्छी जानकारी लेकर के आए हैं, क्योंकि हमको यत्र तत्र सर्वत्र जाना पड़ता है और किसी भी काम के लिए हम लोगों के पास बहुत समय ज्योतिषी के पास जाकर पूछने के लिए नहीं रहता है। आज आपको राहु काल के विषय में बताना चाहते हैं, राहु काल क्या है और इसको ये कब कब होता है और इसको कैसे मानना चाहिए। यदि आप इसको एक अपनी डायरी में नोट कर लेंगे प्रतिदिन का राहु काल, तो निश्चित रूप से आपके लिए अति उत्तम मार्गदर्शन होगा। इसलिए आपके बहुत जीवन के लिए उपयोगी यह राहु काल का चार्ट लेकर के हम आपके पास आए हैं। वैसे तो राहु काल दक्षिण भारत में विशेष रूप से इसका प्रचलन और प्रभाव ज़्यादा है, पर पढ़ी लिखी समाज होने के साथ साथ अपने कार्य के प्रति जागरूक रहना ये भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है,
मित्रों, आप यदि अपनी कुंडली या अपनी जन्मपत्री के विषय में कुछ जानना चाहते हैं, यदि आप अपने समय से बहुत परेशान हैं, आपका समय आपका साथ नहीं दे रहा, व्यापार में हानि हो रही है, कार्यों में लगातार हानि हो रही है, स्वास्थ्य में लगातार बाधा है, तो आप निश्चित रूप से हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली का विवेचन करा सकते हैं, अपने वास्तु को दिखा सकते हैं। शारीरिक आरोग्यता के लिए आप यौगिक परामर्श भी हमसे ले सकते हैं। आप यदि अपने इस थोड़े ही समय में, हम एक मार्केश के लिए बहुत अच्छा मार्केश और मारक पर एक वीडियो बनाने वाले हैं और आपको बहुत अच्छा ज्ञान देने वाले हैं, तो यदि आप लोग अपने मार्केश और मारक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से अपनी जन्म तारीख, अपना महीना, समय और स्थान दें। हम आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि आपका मार्केश कब है, आपका मार्केश कितना घातक है, मारक तो नहीं है, इन सब चीज़ों की जानकारी आपको हम बहुत जल्दी देंगे। अब आपको ये हम बताएं कि राहु काल क्या है। मित्रों, राहु काल का की जो अवधि होती है वो 1.5 घंटे की होती है। दिन की शुरुआत से ही राहु काल का दिनों के अनुसार अलग अलग समय पर राहु काल होता है और यह सूर्य के अस्त उदय से लेकर के सूर्य के अस्त तक इसको हम मानते हैं 1.5 घंटे का राहु काल होता है। सूर्योदय से सूर्यास्त के समय को 8 भागों में बांटा गया है। यद्यपि रात में भी कुछ लोग राहु काल देखते हैं, पर हम लोग प्रायः दिन में ही राहु काल को देख करके यह जानने का प्रयास करते हैं कि हमारा जो दिन में किया गया कार्य कोई अनिष्टता के घेरे में ना जाए। राहु काल में यदि आप यात्रा घर से आरंभ करते हैं तो आपके लिए भय हो सकता है, कार्य में हानि हो सकती है। किसी भी कार्य का आरंभ जो रोज़ हम करते हैं उस पर नहीं ध्यान देना, लेकिन किसी से मित्रता करनी है, किसी के यहाँ रिश्तेदारी करनी है, किसी नए व्यापार का शुभारंभ करना है, किसी नई यात्रा का आरंभ करना है, किसी नए व्यक्ति से हमको व्यापारिक कार्य से मिलना है, तो ऐसे कार्यों में हमको कोई अनुष्ठान आरंभ करना है, कोई मंत्र जाप आरंभ करना है, कोई नई फैक्ट्री के लिए भूमि देखनी है, नए मकान में प्रवेश करना है, तो अच्छे मुहूर्त होने के बाद भी इस राहु काल को हम थोड़े समय के लिए 1.5 घंटे का होता है तो उसको हम आगे और पीछे करके ही अपने शुभ कार्यों को करते हैं, क्योंकि राहु काल में कोई भी कार्य यदि करते हैं महत्वपूर्ण तो निश्चित रूप से उसमें विलंब या कोई ना कोई हानि आना स्वाभाविक है। तो अब आपको हम बताते हैं कि यह जो दिन में राहु काल का समय है 1.5 घंटे का, किस दिन किस समय होता है। रविवार के दिन जो राहु काल होता है वो दिन के अंतिम भाग में राहु काल होता है, अर्थात 4:30 से लगभग 6 बजे सायं तक रहता है। इसलिए रविवार को शाम के समय में किसी भी आवश्यक कार्य को नहीं करना। इसी तरह सोमवार को प्रातःकाल होता है, 7:30 से 9 बजे तक राहु काल रहता है सोमवार को, और सोमवार के दिन हम निश्चित रूप से प्रातः 7:30 से 9:30 बजे तक हम कोई कार्य ना करें। इसको एक डायरी में लिख लें और उसको रोज़ हम सवेरे देख लें कि आज राहु काल कितने बजे है। इसी तरह से मंगलवार को सायंकाल 3:30 से 4:30 बजे तक का राहु काल रहता है मंगलवार के दिन, और इस दिन हम शाम के समय कोई अपना आवश्यक कार्य ना करें। बुधवार को दोपहर के समय मध्याह्न में 12:00 से 1:30 बजे तक राहु काल रहता है, इसलिए बुधवार के दिन हमको इस समय में, ये पंचम भाग होता है दिन का, तो इसलिए इसमें 12:00 से 1:30 बजे तक राहु काल रहता है और इस समय हमको सावधान रहना चाहिए। इसी तरह बृहस्पतिवार को 1:30 से 3:00 बजे तक अपराह्न में यह राहु काल रहता है। गुरुवार के दिन 1:30 से 3:00 बजे तक का समय रहता है राहु काल का। ये जो है षष्ठम संध्या का राहु काल होता है, इसलिए इस पर हमको सावधानी रखना चाहिए। शुक्रवार के दिन
10:30 बजे से 12 बजे तक राहु काल रहता है। इसलिए शुक्रवार के दिन यदि आपको कोई यात्रा कोई आवश्यक कार्य करना है तो आप दिन में 10:30 बजे से 12 बजे तक कोई ज़रूरी कार्य शुक्रवार को नहीं करेंगे। इसी तरह से शनिवार को 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक राहु काल रहता है। इस काल में हम घर से बाहर ना निकलें, कोई आवश्यक कार्य के लिए ना जाएं। यदि हमको जाना आवश्यक है तो उसके पहले ही अपना हम समय से पहले ही अपना प्रस्थान करें, या तो राहु काल बीत जाने के बाद हम अपनी यात्रा आरंभ करें। विशेष रूप से राहु काल में यदि हमको कोई कार्य करना ही आवश्यक है तो ध्यान ये देना चाहिए कि मंगलवार शनिवार रविवार के जो राहु काल हैं ये हमारे लिए ज़्यादा खतरनाक हैं। गुरुवार सोमवार शुक्रवार में जो राहु काल होते हैं वो शुभ ग्रहों में होते हैं, इसलिए ज़्यादा दोषकारी नहीं है। फिर भी हमको अपने जीवन में सुरक्षित रूप से हर कार्य को संपन्न करने के लिए ये सावधानी आवश्यक है। आशा है कि आपको इस ज्ञान से अपने जीवन में सावधानी करते हुए आगे बढ़ने का अच्छा अवसर मिलेगा। आज हमने आपको इसीलिए यह बहुत समय से दर्शकों के द्वारा इस बात की मांग की जा रही थी, इसलिए हमने आज आपको राहु काल के विषय में बताया। नमस्कार।